हे गणेश जी महाराज, बचा लेना हमारे फोन को। 1 2 3। तो भैया वीडियो ऑफ 2021 आ गई है और इस वीडियो में अगर आप लाइक कर देते हैं 1 लाख तो आपको मिलेगा रेडमी का नोट 10 प्रो। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी मिल जाएगा एक भाग्यशाली विनर को। लेकिन क्या करना है आपको, सब्सक्रिप्शन भी करा के रखना है। पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो, दूसरी बार आया तो चेक कर लो सब्सक्रिप्शन है नहीं। और आज आपको दिखाने वाले हैं द अल्टीमेट, जी हाँ अल्टीमेट टेस्ट दिखाने वाले हैं, जो शायद इंडिया में तो किसी ने नहीं किया होगा लेकिन हाँ बाहर दूर गांव में किया होगा। तो हम क्या करने वाले हैं आइए आपको दिखाते हैं। मैं हूँ फिलहाल 18th फ्लोर के ऊपर। जी हाँ आप देख सकते हैं ये है 18th फ्लोर और यहाँ पे हमने लगाया है कैमरा। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे ना तो आपको चक्कर आ जाएगा। जी हाँ हमें तो क्या है कि आदत हो गई है रोज देख देख के चक्कर वक्कर आने की और ना आने की। तो 18 प्लस ग्राउंड प्लस बेसमेंट तो 20 फ्लोर है यहाँ पे। और यहाँ से नीचे गिरने वाले हैं हम अपने रेडमी के नोट 10 को। जी हाँ लेकिन इससे पहले आपको दिखा देते हैं कि अगर आप ठंडे प्रदेश में जाते हैं लद्दाख मनाली कुल्लू घूमने तो क्या आपका ये फ़ोन सर्वाइव कर सकता है -10 डिग्री या -2 भी टेम्परेचर होता है वहाँ पर। फटाफट से देख के आओ फिर चलते हैं ड्रॉप करने। तो अब जो है वक्त हो गया यहाँ पे टेस्ट करने का और टाइम आप देख सकते हैं कि 9:00 जो है वो 32 मिनट हुए हैं 6 मई के रात के। और 33.33 का टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास में जो है वो LG का ये है क्या कहते हैं रेफ्रिजरेटर है, आपने देखा होगा लीनर कूलिंग वाला है। इसका जो 6 डिग्री टेम्परेचर हमने यहाँ पे सेट कर रखा है नीचे वाले का, लेकिन ऊपर वाले का जो है वो और भी यहाँ पे कम हो सकता है। और बाकी सामान के लिए हमने यहाँ पर छोड़ दिया है और जगह यहाँ पर हमने बना दी है। और अब इसको जो है हम फ्रीज करने वाले हैं वजह से हम जो है फ़ोन को फ्रीज करने वाले हैं। हाँ आइसक्रीम जमाने वाले हैं उसकी फ़ोन की। क्यों क्यों क्या ऐसे ही देखते हो क्या आइसक्रीम जमती नहीं जमती। ठीक है ये हमने यहाँ पर रख दिया है और सीधा करके रखते हैं इसको। और यहाँ से जो है वो एयर फ्लो आता रहता है इसको बंद कर देते हैं। फिलहाल 98% जो है वो इसकी यहाँ पे बैटरी है। ब्लूटूथ ऑन है, उसको जरा मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। ब्लूटूथ को और वाईफाई सब बंद है और टेम्परेचर 33.33 है। 1 घंटे बाद देखते हैं क्या होता है इसमें। तो अभी जो है वो टाइम हो गया है 11:45, मतलब लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। और ये आइसक्रीम किसने रख दी यहाँ पे, लाओ टेम्परेचर चेक करते हैं ज़रा। तो अभी जो टेम्परेचर है नॉर्मल जो टेम्परेचर है फ्रिज के अंदर का वो लगभग 4 माइनस में है। और जो फ़ोन है उसका जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं कैसा है। ये देखो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस में है। पकड़ो वजह से पकड़ो फ़ोन आप एक बार, ये लो बहुत ही ठंडा है। तो इसका जो टेम्परेचर है पीछे की तरफ से -5 है। सामने से दिखाओ वहाँ के दिखाओ और आपकी मेरी फोटो भी आ रही है। तो अभी हाँ। जो है वो -3 और 4 डिग्री के अंदर है। बहुत ठंडा भी हो गया है। हाँ तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर ये कैसा काम करता है। और इसमें जो है वो फिंगरप्रिंट काम कर रहा है क्या, देखें जरा फिंगरप्रिंट यहाँ पे काम कर रहा है क्या। जी हाँ फिंगरप्रिंट काम कर रहा है। और स्क्रीन जो है वो थोड़ी धुंधली सी लग रही है। और अब इसको जो है वो छोड़ देते हैं, सुबह देखेंगे कि इसमें कितना जो है वो क्या होता है, बर्फ़ जमती है या नहीं जमती है। तो जी और 12 घंटे हो गए हैं। जी हाँ 11:45 हो गए हैं दिन के। आप देखो यहाँ पर टाइम और फ़ोन एकदम चकाचक चल रहा है। जी हाँ 14 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम लग दिया है। और जो टेम्परेचर है वो भी दिखाते हैं -6 डिग्री के अंदर फ़ोन जो है वो लगभग 14 घंटे से भी ज़्यादा जो है वो सर्वाइव कर गया है। तो फ़ोन जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, टच भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। हालांकि फ़ोन के ऊपर हल्की हल्की सी जो है वो एक बर्फ़ की लेयर जम गई है। और ये जो है वो लीनियर कूलिंग वाला जो है वो क्या कहते हैं AC है, AC नहीं मतलब फ्रिज है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर जो है वो नहीं है। कैमरा के सेंसर भी काम कर रहे हैं दोनों के दोनों बढ़िया तरीके से। हाँ सामने वाले में थोड़ी सी यहाँ पर आपको बर्फ़ दिखाई दे रही है, इसको भी ज़रा साफ़ करते हैं। जी हाँ ये भी साफ़ हो गया एकदम बढ़िया तरीके से जो है वो लग रहा है। वैसे कुल्फी जम गई अपने फ़ोन की, देखा आपने, देखो फ्रीज टेस्ट में तो भैया फोन पास हो गया है बिल्कुल -9 डिग्री और -6 डिग्री टेम्परेचर पर 14 घंटे तक रहा। जी हाँ 14 घंटे तक फ्रीज के अंदर रहने की बात भी बड़ा कमाल का रहा। अब आपको दिखाते हैं कि अगर आपके हाथ से मतलब कि फोन नीचे गिर जाता है किसी कॉन्क्रीट वाली जगह पर, क्योंकि हमेशा लोग मुझे बोलते शर्मा जी कॉन्क्रीट में किया करो फ्लैट मार्बल वालों पर क्या करते हो, तो इस बार हमने जो है वो रैम्प जो पार्किंग का रैम्प होता है ना उसके ऊपर किया है ड्रॉप और स्लाइड। तो वो भी देख लो फटाफट, उसके बाद में क्या होता है वो आपको यहाँ तो पता लग ही जाएगा क्योंकि यहाँ से तो बचने वाला फोन है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर देख कर आओ फटाफट से। तो ड्रॉप करने से पहले भैया एक स्क्रैच टेस्ट आपको दिखा देते हैं कि अगर फ़ोन को आप गिरा देते हैं बिना कवर के तो कितने स्क्रैच जो है वो आ सकते हैं।
फिलहाल जो है वो फ़ोन के ऊपर कोई खास ऐसे जो है वो स्क्रैचेस वगैरह नहीं है। ये देखिए कोई भी खास जो है वो स्क्रैच नहीं है, बहुत ही प्यार से हमने रखा है। हल्के फुल्के साइड से जो है वो इक्का दुक्का कोई स्क्रैच जो है वो आ गए हों तो आ गए हों, इसके अलावा ऐसा कोई स्क्रैच इसे मेजर नहीं आया हुआ है। ये देखो कहीं से भी आपको दिखाऊँ, यहाँ से जो है एक बार गिरा था शायद, ये देखो यहाँ से एक बार ये गिरा था तो ये स्क्रैच आया था यहाँ पे, इसके अलावा जो है वो कोई स्क्रैच नहीं। और हम कोशिश करेंगे कि टॉप लेफ्ट साइड से ये ना गिरे, इसके अलावा जो है वो कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमारे पास में यहाँ पर जो है ये रैंप है एक, पहले तो हम यहाँ पर जो है इसको हल्का सा मतलब बिना उसके नी हाइट से या कुछ हाइट से गिराएंगे, और उसके बाद में अगर स्क्रीन से स्लाइड होता है, मतलब स्क्रीन से हम यहाँ पर जो है स्क्रीन की तरफ से मान लीजिए जिस तरह से अगर ये स्लाइड हो जाता है तो किस तरह से इफ़ेक्ट आता है वो यहाँ पर देखेंगे। तो ये है एक टेस्ट जो कि लगभग 2 फीट के आसपास में ही है, और मैं इसको जो चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर तो पहले स्क्रैच पड़ा हुआ था, और रेडमी नोट 3 का भी हमने कुछ इस तरह से ही जो है वो किया था। ये देखिए इस तरह से ये स्लाइड होता हुआ गया है। ओहो हो, मुझे नहीं लगता ये कुछ बचा होगा उसके अंदर। और उसका जो कैमरा है पीछे का पूरा स्क्रैच हो गया होगा। ये देखिए तो इसका जो कैमरा है यहाँ पर आप देखिए, कैमरा पे कुछ नहीं हुआ है, जितना स्लाइड हुआ मुझे था कि स्लाइड होगा तो ये ख़राब हो जाएगा, स्क्रैच पड़ जाएगा, तो यहाँ पर जो है कोई भी स्लाइड जो है वो नहीं पड़ा है। हल्का सा यहाँ पर जो है वो पीछे की तरफ से राइट साइड में एक स्क्रैच आया, ये पहले वाला था, और एक नीचे की तरफ यहाँ पर जो ड्रॉप किया था मैंने यहाँ पर इस तरह से, ये एक स्लाइड जो है वो स्क्रैच जो है वो आ गया है। अब करते हैं दूसरा वाला टेस्ट। दूसरे वाले में क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर रखेंगे नीचे बड़े ही प्यार से, और देखते हैं कि ये इस बार जो है वो कितना नीचे तक जो है वो जा सकता है। और ये स्क्रीन फ्लिप की तरफ है, 1 2 तो शुरू करें भैया। भैया पूरा रैंप के नीचे तक जो है पहुंच गया है, पता चला उसमें ना गिर गया हो। Few moments later. तो अगर आप गलती से अपने फोन को कुछ इस तरह से गिरा देंगे तो उसकी क्या हालत होगी ये आपको यहाँ पर जो है वो दिख रहा है, फुल मिट्टी मिट्टी हो गई यहाँ पर। हालांकि ग्लास जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, नहीं मतलब ग्लास ब्रेक हो गया है, ये देखिए तो ये जो ग्लास है पूरा का पूरा ब्रेक हो गया है यहाँ से। अगर इस तरह से ये गिर जाता है तो आपका फ़ोन जो है वो नहीं बचेगा। और ये बहुत ही लंबा रैम था, आपने देखा कि कितना नीचे तक ये जो है वो घिसटते घिसटते गया, पूरा जो है वो घिसट गया, मज़ा ही आ गया। मतलब अब जो है वो चलते हैं इसके फुल एंड फाइनल टेस्ट के लिए, और देखते हैं कि उसके बाद में इसमें कितने सारे स्क्रैच जो है वो पड़ने वाले हैं। तो ये देखिए आपको कुछ एक और एंगल से यहाँ पर दिखा देते हैं कि जो स्क्रैचेस का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है आ गया था। हालांकि हाथ में नहीं लग रहे हैं ऐसे स्क्रैच वगैरह, लेकिन स्क्रीन जो है वो पूरी की पूरी ब्रेक हो गई। आप देखते हैं 3-4 इसमें जो है वो दरारें भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। कैमरा कर ले फोकस, स्मार्टफोन का कैमरा फोकस करता ही नहीं है इतना ज़बरदस्त तरीके से। चलिए चलते हैं फाइनली। ऑल राइट गाइस, तो हम भी जो है वो इंडियन हैकर बन रहे हैं, हमारे खून में टाइटेनियम आर्मी तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना हमारे दिल में क्या कहते हैं जोश उमंग है उससे हम जो है वो ट्राई कर लेते हैं। तो ये है आपका और हमारा रेडमी का नोट 10, आप देख लीजिए यहाँ पर ये जो है वो इसमें 2-3 लाइनें जो है वो आ गई हैं। हालांकि हमारा सैमसंग का फ़ोन ऐसा ही है, तो अब इसको करने वाले हैं ड्रॉप नीचे की तरफ। तो पोजिशन ले लीजिए और फिर हम करते हैं ड्रॉप। तो जी पोजीशन ले ली हमने यहाँ पर, और अगर नीचे की तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है 8th फ्लोर में, जी हाँ 8th फ्लोर पे हमने जो है हमारा बंदा खड़ा कर दिया है। और अब देखते हैं कि ये जो फ़ोन है ये बच पाता है या नहीं बच पाता है। तो इसमें हमने जो है वो रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। ये जो है वो हमारा ड्रॉप अब शुरू होने वाला है। रिकॉर्डिंग हो गई शुरू? जी हाँ हो गई है शुरू। तो अभी गिरना शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। हे गणेश जी महाराज बचा लेना हमारे फोन को। 1 2 3 जी हाँ, तो वो कहीं पे जाकर जो है वो रुक गया है, देखते हैं क्या होता है।
तो हमारा जो है फ़ोन आ गया है और देखते हैं कि फ़ोन में जो है वो क्या बचा है। तो ये जो है वो पीछे की तरफ है और पीछे जो है वो प्लास्टिक वाला जो है वो चीज़ है, और इसका जो ये देखेंगे आप यहाँ पर जो कैमरे का ग्लास है वो भी शटर हो गया है, और नीचे की तरफ से देखेंगे वो भी है, और फ़ोन के अंदर जो है वो बैंड आ गया है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो भैया सामने की तरफ तो जो है बहुत ही बुरा हाल जो है वो हो गया है, और ये कवर के साथ गिराया था, लेकिन कवर जो है वो पहले ही कहीं निकल गया था, और फ़ोन जो है वो मतलब चल नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। ये देखो आप, ये फ़ोन जो है बिल्कुल डेड हो गया है। तो ये निकला यहाँ पर Redmi के Note 10 का ड्रॉप टेस्ट। जी हाँ, 9th फ्लोर तक ये गया यहाँ से, 11th फ्लोर में टकराते ही, क्योंकि रेलिंग है लोहे की, टकराते ही इसकी जो है वो टाएँ टाएँ फिस हो गई है। तो देखा आपने कि Redmi का जो Note 10 है वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया है, पीछे से भी जो है वो क्रैक हो गया है। तो आने वाले किसी वीडियो में इसका जो है वो और जीर्णोद्धार करेंगे, और फ़ोन में जो वीडियो रिकॉर्ड की थी हमने वो नहीं दिखाई क्योंकि फ़ोन जो है बिल्कुल डेड हो गया है। कोशिश करेंगे कहीं निकल जाएगी तो आपको ज़रूर से बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह से इस वीडियो को लाइक करिए, प्यार बनाए रखें, ताकि हम और इस तरह के कुछ नए नए काम करते रहें। ऑलराइट गाइस, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए और बोलते रहिए। बात बता की जय।